आई तो है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भटूरे जैसा लग रहा है। कैसे दिया नाम है इसका? कैसा दिया? तीन पीस टाको के दिए हैं। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और आज 24 आवर चैलेंज में हम लोग खाने वाले हैं मेक्सिकन खाना। आप कमेंट्स में आज लिखो मेक्सिको और बताओ मेक्सिको की कैपिटल क्या है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने मंगवाया टाको बेल से, पहले देखो ब्रेकफास्ट में क्या है और उसके बाद उसको खाते खाते बाकी बात करते हैं। ये इसके अंदर पता नहीं क्या क्या सब्जियां डाल रखी है, मतलब दो चटनियां मिक्स कर रखी है, एक चीज सॉस और एक स्पाइसी सॉस, कुछ तो आलू उलू डाल रखे हैं। हाँ बिल्कुल, वो मकैन वाले आलू डाल रखे हैं। 60 रुपए के हिसाब से काफी सही लग रहा है। और ये मैंने मंगवाया चालूपा, ये जो टाको बेल की ऑल मेन्यू वाली वीडियो करी थी ना उसके अंदर भी था, ये भटूरे के आटे जैसा कोई तो चीज़ थी। अब ये फजीटा टॉपिंग्स मुझे तो नहीं पता क्या है भाई, ये कुछ जैसे हम लोगों का राजमा, छोले, पनीर, बैंगन का भरता, दाल मखनी, ये सब अलग अलग सब्जियाँ होती है। वैसे उनकी भी मैक्सिकन खाने में भी अलग अलग सब्जियाँ होती होगी, पर इसमें और जो पीछे टाको दिखाया था उसमें तो फ़र्क था। टाको वो ऑल दो टाको था भी नहीं, मैं इस वीडियो में अच्छा वाला टाको भी मंगवाऊंगा। देखो टाको होता है क्रिस्पी, ये तो टॉर्टिया लग रहा है, मतलब टाको क्रिस्पी भी होता है, नॉट सो क्रिस्पी भी होता है। हम लोग आज मेक्सिकन खाना खा रहे हैं, क्यों मेक्सिकन खाना कैसा होता है अब भाई पता नहीं हम लोगों को। अब कोई मेक्सिकन बंदा इंडियन खाना खाए उसको क्या फर्क पता, नान, लच्छा पराठा, खमीरी रोटी, भटूरे रोटी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, इन सब के बीच में कभी कभार तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इनका है, ये टॉर्टिया ब्रेड जैसा लग रहा है, ये तो भटूरे के आटे जैसा, ये तो मतलब बहुत ही अलग है। पहले ब्रेकफास्ट अपना खाना शुरू करते हैं। इन्होंने बोला ये टाको है पर ये बिल्कुल टाको वाली फीलिंग नहीं आ रही, आइए इसको टेस्ट करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, डिनर तो आज बहुत क्रेजी होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही बेहतरीन खाने की वीडियोस आती रहती है। ओके, वो जो इसमें चीजी सॉस डाल रखी है ना, तो मस्त टेस्ट हो गया उससे। पर जो मेन स्टफिंग कर रखी है इन लोगों ने वो मकैन के आलू की कर रखी है। सुबह का नाश्ता बढ़िया कर दिया, डिनर तक हम लोग मैक्सिकन खाने को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्पाइसी है। अब ये भटूरे वाली चीज खाते हैं, इसके अंदर फजीटा टॉपिंग्स डली हुई है। फजीटा टॉपिंग्स मैंने तो देखा तो मेरे को तो समझ आई थी कि मतलब नॉन वेज टाइप की थी, पर ये प्योर वेज है, तो प्योर वेज में फजीटा क्या है आई डोंट नो। इसकी जो आउटर कवरिंग है एक नंबर की है, बिल्कुल भटूरे जैसा टेक्सचर है इसका, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का सौंधा सौंधा प्याज, टमाटर और कॉर्न्स, बस दैट्स इट, और लेटस। ये चालूपा मुझे ऑल मेन्यू वाली वीडियो में भी बहुत पसंद आया था, पर आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको आराम से बैठ के एंजॉय करता हूँ और आप लोगों से मिलूंगा लंच पे कुछ तड़कता भड़कता खाते हुए। ये टेस्ट करो, चालू पांडे खाया था ना वो, जो ये तो वो सस्ता वाला टाको टाइप सा था, ये तो टाको झोल हो गया। और ये वो भटूरे वाला, हाँ ये खाओ, ये आज इतना क्रेजी लग रहा है ना, इसकी एक बाइट ले लो फटाफट, ले ट्राई करते ना फिर यार, उसकी बाइट लेनी थी पहले। ये तो टॉर्टिया ब्रेड जैसा लग रहा है, खाओ ये आज इतना क्रेजी लग रहा है ना, चालू पांडे है ना, बिल्कुल भटूरे जैसा लग रहा है। अच्छा तो इसमें पहले मैं एक काम करूंगा, हाँ इसकी स्टफिंग उसके अंदर डाल दो। yes. हाँ उसकी स्टफिंग हल्की है थोड़ी, पर उसका बेस इतना बढ़िया है ना कि हल्की स्टफिंग भी टेस्टी लग रही है। अब मजा आया, बस ये बढ़िया था ना। पर ये टाको लग रहा है कहीं से, इसका टाको को इसको फिक्स करेंगे। चलो ओके नाइस, मिक्स करने के बाद ना लंच का टाइम हो चुका है दोस्तों, और लंच में ना कुछ बेहतरीन खाना खाने वाले हैं। मतलब फिलिंग, वो जो सुबह ब्रेकफास्ट खाया था वो अच्छा तो था पर इतना फिलिंग नहीं था कि बंदे का पेट भर जाए। अब लंच में ना हम लोगों ने मंगवाई है ये सब्जी जैसी दिखने वाली चीज, इसको अभी एक सेकंड में समझते हैं। ये वाली जो चीज है जो मैं सुबह आपको ब्रेकफास्ट में बोल रहा था ना कि जो टाको होते हैं वो असली में यही चीज होती है, क्रिस्पी टाको शेल्स। देख रहे हो ऐसे दिए, तीन पीस टाको के दिए हैं और ये साथ में मैक्सिकन बीन्स की सब्जी दी है। जैसे हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं ना, वैसे ये सब्जी ली, इसको टाको के अंदर डाल के खा लिया। उससे पहले अपने लंच की दूसरी चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये है भैया भिंडी कैसे दी, टमाटर कैसे दिए, आलू कैसे दिए, कैसे दिया कैसे दिए, कैसे दिया तो बहुत सही लग रहा है, मतलब पिज्जा का रोटी वाला वर्जन, जैसे हम लोगों के आलू पराठे गोभी पराठे होते हैं ना। आपको पता है मेक्सिकन खाने और इंडियन खाने में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, मतलब मेक्सिकन इज टू द वेस्ट व्हाट इंडिया इज टू द ईस्ट। सेम मेक्सिको के लोग, इंडिया के लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, राजमा दोनों बहुत खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, मतलब काफी सिमिलैरिटीज हैं। जस्ट एक ना वो कल्चरल शॉक है, वो वेस्ट में है वो ईस्ट में है, तो वो वाली चीज है। दिस इज द राइट टाइम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। अच्छा लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आपको कोई एक मेक्सिकन डिश की रेसिपी देखनी है कुकिंग पाजी पे तो वो कौन सी डिश बनाओ, कैसे दिया, टाको, बरीतो, या फिर वो जो सुबह सुबह खाया था चालूपा, चालू पांडे।
ये बना दिया हम लोगों ने क्रिस्पी मैक्सिकन टाको, जो बिल्कुल ही एकदम राजमा की सब्जी और रोटी जैसे लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है चीज पराठा खा रहा हूँ। इसके साथ में जैसे हम लोग दही खाते हैं वैसे ये सालसा है, मेरे को लग रहा है एकदम स्पाइसी वाली चटनी है, टैंगी है। चीची उंगली से टेस्ट करने से एकदम शेफ वाली फीलिंग आती है। चीची उंगली सुना मैंने, मैं कहा ये चीची उंगली कैसे बोला तूने? अरे वो ऐसे चीची उंगली से टेस्ट करते हैं ना, वो एकदम शेफ वाली फीलिंग आती है। आती है कि नहीं? ऐसे चीची मतलब सबसे छोटी वाली उंगली पंजाबी। अच्छा, मन्नू नहीं पता सिगा? नहीं, लोगों को नहीं पता हो ना, क्या पता। अच्छा ठीक है, ये परांठे हैं ये तो यार। तू कहना मैं मैक्सिकन? हाँ, तो मैक्सिकन खाना और इंडियन खाने में काफी सिमिलैरिटीज होती है। परांठा सा लग रहा है, चीज परांठा लग रहा है ना भाई। दोनों उधर से डोसा चला, उधर से परांठा चला, बीच में मिल गए और ये बन गया मालाबार परांठा। और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? भिंडी कैसे दी? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? भिंडी कैसे दी? इस चीज का क्या नाम है? भिंडी कैसे दी? कैसे दियास? कैसे दी? कैसे दियास नाम है इसका? कैसा दियास? पराठा कैसे दिया? पराठा कैसे दियास? ये तो सच्ची में ऐसे लग रहा है यार, इधर से पराठा चला, इधर से तो इसका सॉस कैसा है? ऐसे ही वैसे कर लो जैसे हम लोग दही के साथ खाते हैं। मैंने कभी खाया नहीं, पहली बार खा। ये सालसा है, वो सालसा तो टोमेटो टोमेटो चटनी है ना, एकदम क्रीमी क्रीमी, बिल्कुल पराठे वाली फीलिंग आ रही होगी। और ये मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तेरे को, हाँ, कोई फर्क नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेड में हम वो पनीर सैंडविच बना देते हैं, हाँ। मुझे लग रहा पिज्जा बचा हुआ था, हाँ। इधर से आता परांठा बचा हुआ था मेरा, पिज्जे को परांठे में रखा खा गया, वही वाली फीलिंग आ रही। देख लो, और ये देखो, इसको देख के राजमा की फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल? वो राजमा तो मैक्सिकन लोग खाते हैं, राजमा तो बहुत खाते हैं। ये देखो टाको, टाको भी ठीक है, टाको तो क्रिस्पी टाको खा रहे हैं? नहीं खाओ, टाको तुम खाओ, मैं तो ये चीज नहीं है, ये चीज देखना है। खाओ खाओ, इसको चटनी के साथ खाओ ना, सालसा चटनी के साथ। इसकी एक बढ़ लूंगा, ये तो मम्मा को दिखा, मम्मा चट बना देगी। बहुत सिंपल है इसको बनाना। हाँ, मैंने पूछा लोगों से कौन सी रेसिपी देखनी है कुकिंग पाजी पे, नॉट ए डिफिकल्ट टू डीकोड, ये तो घर पे बन जाएगा, तो मैं देख लूंगा, नहीं तो मम्मा तो एकदम मास्टर बना देगी इसको। कैसे दिया भिंडी? कैसे दी चटनी? एकदम टैंगी है ना, सालसा नाचो के साथ खाने में बड़ा मजा आएगा इसको। शाम को खाएंगे नाचो के साथ ये वाली चटनी। मैक्सिकन खाने में मजा आया? Mexican khana is very similar to Indian food. Oh, they also love spices. We love spices. Just east west ka farak hai bas. Aur idhar northern range mein rajma ki koi dikkat hi nahi hai. To wo rajma ke aise piche pade rehte hain ki poochho hi mat. Poochho hi mat. Aur rajma bhi unka hai. To do cheeze hogi combined. Sir, chalo. Ab main isko taste karta hu. Enjoy. Aaiye dosto, try karte hain apna taco. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ना राजमा की ग्रेवी बना दो ना, मतलब राजमा को एक्स्ट्रा 2 रुपया दे दो। ये टाको हम लोगों ने मंगवाया कैफेटेरियन कंपनी से, ये हम लोगों ने मंगवाया हडसन रेस्टोरेंट से, ये हम लोगों ने मंगवाया हडसन रेस्टोरेंट से। इसके साथ में जो सालसा फ्री मिली थी वो इसके अंदर डाल के खाते हैं, सालसा को टाको से मिलाते हैं। इवनिंग स्नैक्स तो मैक्सिकन खाने में गेस्ट करने के कोई पॉइंट्स नहीं, नाचोस ही होंगे ना, नाचोस और सालसा का कॉम्बिनेशन ना भाई साहब। ऑनेस्टली टाको ठीक ठीक बना है, इतना कुछ खास नहीं है। ये जो सालसा इतनी टेस्टी है, इसके साथ कुछ भी खाओ बहुत सही है, मतलब हल्की टैंगी, हल्की चटपटी, हल्की स्पाइसी तो बिल्कुल कम ही है, बट बहुत सही है। भिंडी कैसे जी, कितना बढ़िया लग रहा है। गाइस, अब लंच खत्म करते हैं और इवनिंग स्नैक्स पे मिलेंगे नाचोस के साथ सालसा खाते हुए। पूरे दिन की सबसे बढ़िया चीज अभी तक ये लग रही है, क्या सालसा बनाया भाई साहब, बहुत टाइम बाद इतनी बढ़िया सालसा खा रहा हूँ चीची उंगली से, फुल शेफ वाली फीलिंग। मिलते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। शाम का टाइम दोस्तों हो चुका है और जैसे आपको बोला था नाचोस मंगवाए हैं, साथ में मिली है सालसा। ये वाला रेस्टोरेंट जो है वो है कैफेटेरियन कंपनी, मैं ऐसे गाने वाले तरीके से पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। ये साथ में इन लोगों ने दी हुई है चीजी डिप, ये चीजी डिप इसलिए दिया बिकॉज ये नाचोस ऐसे प्लेन नाचोस नहीं होते, ये चीजी नाचोस होते हैं, बट मैं इसको ऐसे डिप कर करके खाऊंगा। नाचोस से ज्यादा ऑथेंटिक मैक्सिकन स्नैक आई डोंट थिंक और कोई हो सकता है। ये वाली सालसा अच्छी है पर पीछे वाली सालसा ज्यादा बढ़िया थी। नाइस। नाचोस को जब भी देखता हूँ ना मेरे दिमाग में वही गाना आता है, अरे यहाँ नाचो नाचो डुडू। अब तो मैंने इस पे थोड़ी चीज सॉस भी डाल दिया। नेटफ्लिक्स एंड चिल, प्राइम एंड चिल। बेल बजी क्या आया? बेल बजी तो ये आया। ये क्या है? ये है नाचोस, थोड़ा डिफरेंट है ना, ये चीज सॉस है, वो सालसा है। अच्छा यार, ये चीज नाचोस कैसा लग रहा है? मैक्सिकन चैलेंज, टाको अच्छा था, भटूरे वाला अच्छा था, भटूरे वाला ये भी अच्छा। और अभी डिनर में आ गई सबसे क्रेजी चीज, सबसे हैवी चीज। ये तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा ना,
है ना। पॉपकॉर्न्स इज सो ओल्ड थिंग नाउ, नाचोस इज लाइक द न्यू पॉपकॉर्न्स ऑफ पिक्चर। ये आप खा लो, ऐसा करो आप खाओ इसको, स्क्विड गेम देखते देखते खाओ इसको, एंजॉय करो। आप क्या देख रहे हो आजकल? ओके भाई, ट्रेंडिंग चल रहा था, मेरे को ओके ओके लगा स्क्विड गेम। आपको कैसा लगा बताना, आपको कैसा लगा बताना, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। बाय 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 बाय, थैंक यू। गया सारा खाना मैं, जो पूछते इतना चैलेंज करते हो, खाना कहाँ जाता है? ले गया भाई, मिलते हैं डिनर पे, मिलते हैं। दोस्तों डिनर आ चुका है, और डिनर जो है काफी हैवी भी है और काफी सही भी है, क्योंकि डिनर में हमारे पास मीठा भी है। अब ये कायदे से मेक्सिकन मीठा है नहीं, ये इट्स अ स्पैनिश मीठा, बट जैसे कॉफी इटालियन नहीं है बट इटालियन पार्ट बन चुकी है, वैसे ही ये मीठा जो है मेक्सिकन नहीं है बट मेक्सिकन पार्ट बन चुका है। ये है हमारे पास मीठे में चुरोस। चुरोस बेसिकली क्या होते हैं ना, ये मैदे की फ्राइड चीनी वाली थिंगी होती है। चुरियोस नहीं बोलते, चुरोस ही बोलते हैं। चुरियोस बोलते हैं, दिखा रहे हैं। चुरोस क्यों बोलते हैं? चुरियोस क्यों बोलेंगे इनको? आई तो है ही नहीं इसके अंदर। ये अभी अब और चुरोस नहीं मिलेगी आपको, इसके साथ चॉकलेट सॉस भी मिलती है। वाओ! नहीं नहीं, ये मेरी है। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। साथ में हम लोगों को आज डिनर में हमारे पास है बुरीटो, साथ में है सार क्रीम और है सालसा। As always, दोस्तों हमारे खाने पर अटैक हो चुका है। ये मेयोनीज लग रही है या सार क्रीम लग रही है, ओनली टाइम विल टेल। ये तो बिल्कुल सालसा है। आज के दिन में हम लोगों ने इतनी सालसा खा ली है जितनी इंडियन चैलेंज में सौंठ वाली चटनी। बुरीटो है, बुरीटो क्या होता है, बेसिकली चावल और राजमा और सब्जियों वाली डिश जो रोटी के अंदर रैप्ड होती है, बेसिकली तोर्तिया ब्रेड के अंदर, तुर्तिया ब्रेड के अंदर रैप्ड। ये है हमारा मेन कोर्स, काफी हैवी होती है, देखने में लग रहा है कि इतना सा रैप है ये, मतलब समझो इसके अंदर पूरा राजमा चावल रोटी के अंदर पैक्ड है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा हैवी होता है। ये है हमारा चुरोस, चुरोस को भी इधर डाल देते हैं। चुरोस आए टाको बेल से, ये आए कोई वीगन कैफे टाफे से, और ये इधर, ये हमारा है आज का डिनर। कैसा लग रहा है, कमाल का डिनर ना? मेरे को भी एकदम कमाल का लग रहा है। आइए बुरीटो उठाते हैं, सार क्रीम में डिप करते हैं। अच्छी डिप है, काफ़ी हैवी है। 350 रुपये इसका रेट था, आई थिंक मैं ये आधा खाऊँ तो मेरा पूरा पेट भर जाए। इमेजिन करो ये राजमा चावल रोटी के साथ सर्व कर रखा है, ये वो वाली चीज़ है। आज के दिन में इतनी अलग अलग टाइप की सालसा है ना, इतनी रिफ्रेशिंग सालसा है ना, बहुत सही भाई, बहुत सही। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप कमेंट्स में बताना मेक्सिको की कैपिटल क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और बेहतरीन चैलेंज करते हुए, या कुछ और बेहतरीन जगह का खाना आपको दिखाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो लगे हाथों, भेजी भाजी एंड डेली व्लॉग्स एट ट्रैवलिंग का जी। बाय बाय। चुरोस सही है चॉकलेट सॉस के साथ ना, एकदम एगलेस चुरोस। बाय।